कैसे डिसाइड कर लिया? एटलीस्ट मुझसे तो पूछ लिया होता एक बारी, मैं क्या चाहती हूँ। डैड अगर नहीं मान रहे, मॉम आप तो उन्हें कन्विंस कर सकते हैं ना। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, अगर ये सब राज को पता चल गया वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। मॉम आपसे तो हर बात मैंने शेयर करी है ना, आपको तो हर कोई बात पता है हमारे बारे में। तो मॉम प्लीज आप डैड को समझाइए कि मेरी शादी किसी और के साथ फिक्स नहीं करे, मैं राज के बगैर नहीं रह सकती, बहुत प्यार करती हूँ राज से। मॉम प्लीज आप ये बार डैड को समझाइए, माइट भी वो आपकी बात सुने। मॉम देखिए राज की फैमिली वो पूरा विलिंग है हमारे रिलेशन से, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर राज ये सुनेगा कि मेरी फैमिली से प्रॉब्लम आ रही है, he'll be shout। मॉम अगर आपकी खुशी मेरी खुशी में है तो मॉम प्लीज मेरी शादी राज के साथ करा दीजिए ना। आप तो जानते हैं ना मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ राज से, और आई एम श्योर कि आप डैड को कन्विंस कर लेंगे, है ना मॉम।